17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा अभियान चलाने वाली है। इस सेवा अभियान के तहत पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तमिलनाडु में कुछ ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी की राज्य यूनिट 17 सितंबर को पैदा होने वाले नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देगी, यानी कि जिन बच्चों का जन्म 17 सितंबर 2022 को होगा उन्हें लगभग 2 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 720 किलोग्राम मछली भी बांटी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को महोत्सव में तब्दील करने के लिए पूरे भारत में कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक ने भी पूरी तैयारी की है। कनॉट प्लेस स्थित ARDOR 2.0 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाले एक बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी। इस थाली को लेकर ग्राहकों के पास वेज और नॉन वेज दोनों तरह के विकल्प होंगे। आपको बता दें कि कनॉट प्लेस स्थित ARDOR 2.0 रेस्टोरेंट ने ये अनोखा आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के लिए ईजाद किया है। रेस्टोरेंट के मालिक सुमित कलारा ने बताया है कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा गौरव हैं। हम उनके जन्मदिन पर उन्हें कुछ अनोखा उपहार देना चाहते थे, इसीलिए हमने इस थाली को लॉन्च किया है और इस थाली का नाम 56 इंच मोदी जी रखा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को खास बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अलग अलग जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा, रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग कोविड सेंटर्स पर जाकर लोगों की मदद करने का काम करेंगे।